नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज। आपका स्वागत है हमारे शो चुनावी दंगल में। एक बार फिर चुनावी दंगल इसलिए कि हरियाणा में चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों की उठापटक चलती रहती है, इसलिए इस राजनीतिक रण को हमने नाम दिया है चुनावी दंगल। तो चुनावी दंगल में हम चर्चा शुरू करते हैं, जिसमें आज मेरे निशाने पर है कांग्रेस पार्टी, जिसने अभी तक चुनावी रण में सस्पेंस बनाकर रखा है। इस सस्पेंस ने पार्टी समर्थकों की नींद उड़ाई हुई है। वहीं एक तरफ दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस पर नजर बनाए रखे हैं, प्रतिद्वंदी आखिर कौन सा पिटारा खोलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कांग्रेस में टिकटों की घोषणा के लिए करवाए गए इतने इंतजार के पीछे आखिर क्या वजह रही है। ये भी अंदर की बात है दोस्तों, जो अब बाहर आएगी। हरियाणा की अधिकतर जनता ये जानती है कि पिछले चुनावों से हरियाणा कांग्रेस अंतर कलह से गुजर रही है, यानी कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी झगड़े व गुटबाजी लंबे समय से चल रही है। पार्टी एक, लेकिन पार्टी के अंदर दो गुट। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहला गुट और दूसरा गुट पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर। पार्टी का के इन दोनों गुटों में खींचातानी चल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि उनके चहेतों को टिकट मिले और तंवर चाहते हैं उनके चहेतों को टिकट दी जाए। वहीं एक अखबार में तड़के ताजा खबर छपी है, जिसमें संक्षेप में बताया है कि मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की 3 बजे बैठक हुई। इस पहले राउंड की बैठक में पार्टी के धुरंधर नेता मोहसिना किदवई, मुकुल वासनिक, अहमद पटेल, केसु वेणुगोपाल, मधुसूदन, देवेंद्र यादव, दीपा दास मुंशी, गुलाब नबी आजाद मौजूद रहे, जिसके बाद 70 सीटों पर सहमति बन गई। इस सूची में युवा व महिला कोटा न होने की वजह से मंथन शुरू हुआ। सोनिया गांधी ने बाकी की सीटों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को फैसला लेने के लिए आज़ाद कर दिया। वहीं गुटबाजी का असर सोनिया गांधी के जनपथ 10 पर तब देखा गया जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनपथ से बाहर निकले और अशोक तंवर के समर्थकों ने नारेबाजी की। तो दोस्तों, ये थी चुनावी दंगल के एपिसोड 3 में अंदर की बात, कांग्रेस की टिकटों की घोषणा में इतनी देरी क्यों हुई। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।